नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्लूटाथियोन की। देखिए ग्लूटाथियोन जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है, उसके क्या बेनिफिट है, वो कहाँ इस्तेमाल होता है, ये आपको बताने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सीरियस पेशेंट्स को, कैंसर जैसे पेशेंट्स को इंजेक्शन के द्वारा ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, और बहुत सीरियस आईसीयू में पेशेंट होता है उसको भी आईसीयू में ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसके उसको क्यों दिए जाते हैं आज जानते हैं। इसके बेनिफिट क्या है, ये आपके शरीर में बहुत ज़रूरी काम करता है, और इसकी कमी हो जाने की वजह से कई सारी बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर भी हो सकता है, और इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, कई लोग इसकी गोलियां खाते हैं, क्या वो काम की हैं या नहीं है, स्किन सफ़ेद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, शरीर ठीक करने के लिए इस्तेमाल, कमजोरी ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिवर ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी सच्चाई क्या है, इसके पीछे का रिसर्च क्या है, साइंस क्या बोलता है, आज आपको हम सिंपल भाषा में समझाएंगे ग्लूटाथियोन के बारे में। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So दोस्तों ग्लूटाथियोन तीन बेसिक अमाइनो एसिड से बनता है, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन और सिस्टीन। ये आपके शरीर में बनता, खुद ही बनता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको कम कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस। जी हाँ, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या बीमारी ग्लूटाथियोन के लेवल को कम कर सकती है, उम्र के साथ ग्लूटाथियोन कम हो सकता है, और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर या कम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के वजह से भी कम हो सकता है। पर इसकी जरूरत ही क्यों है, ये क्यों चाहिए। सबसे बड़ा बेनिफिट ग्लूटाथियोन का है कि ये आपके शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम रखता है, कम करता है, रिड्यूस करता है, मैनेज करता है। ये क्या है, देखिए रोजमर्रा में आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये बनता है टूटता है, बनता है टूटता है, और इस बीच बहुत सारे फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। ये वो फ्री रेडिकल्स हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसी के वजह से आपकी एजिंग होती है, इसी की वजह से वेयर एंड टेयर होता है। बहुत जितना ज्यादा फ्री रेडिकल उतना ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सो आपका शरीर जो है इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स पे डिपेंड करता है, जो आपको फ्रूट से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं, मल्टीविटामिन से मिलते हैं, फलाना फलाना चीजों से, खाने पीने से मिलते हैं, लेकिन सब एंटीऑक्सीडेंट्स का जो बाप है वो है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके शरीर में। सो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर आपके अंदर हो जाए, किसी कारणवश ग्लूटाथियोन कम हो जाए, तभी आपको डायबिटीज, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीजेस जैसी बीमारियां होती हैं। सो ग्लूटाथियोन आपके शरीर में इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके इन बीमारियों के आने के चांसेस कम करता है। और जो लोग दारू पीते हैं, जो लोगों को लिवर की प्रॉब्लम है, वो ध्यान से देखें, लिटरली लिवर में दारू के वजह से, या जो दारू नहीं भी पीते उनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, या नैश है, या दूसरी कोई ऐसी लिवर डैमेज वाली बीमारी है, उस लिवर के सेल डेथ को, लिवर के सेल को डैमेज होने से ये एंटीऑक्सीडेंट बचाता है, और एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से लिवर की सेल्स की डेथ होती है, ये देखा गया, इंक्लूडिंग दिस बिग फैक्टर ग्लूटाथियोन। लिवर के तरफ से जो प्रोटीन बनाया जाता है, एंजाइम्स बनाए जाते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, जो बिलिरुबिन बनाया जाता है, इन सब में देखा गया है ग्लूटाथियोन जो है इंप्रूव करता है आपके लिवर के फंक्शन को, साइंस ऐसा मानती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जिससे डायबिटीज होती है उम्र के साथ, वहां पर भी ग्लूटाथियोन का रोल है, तो डायबिटीज रोकने में, डायबिटीज को ठीक करने में ग्लूटाथियोन का बहुत बड़ा रोल है। खून की नसों में कहीं भी, आपके हार्ट में, आपके ब्रेन में, आपके पेरिफेरल खून की आर्टरीज में अगर कोई ब्लॉकेज है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, सो इस तरीके के एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीजेस में भी ग्लूटाथियोन जो है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हुए देखा गया है। पार्किंसंस डिजीज, ब्रेन की बीमारी जिसमें नर्वस सिस्टम जो है डिजनरेट होने लगता है, वहां पे नसें खराब होने लगती हैं, बीमारी के वजह से ट्रिमर, झटके आते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, इसमें भी ग्लूटाथियोन के वजह से काफी बेनिफिट मिलता है। सो ग्लूटाथियोन की कमी एक बड़ा कारण है जिसके वजह से पार्किंसंस डिजीज प्रोग्रेस करते हुए देखते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज एक बड़ी ग्रुप है बीमारी का, आर्थराइटिस, सीलिएक डिजीज, ल्यूपस, ऐसे पेट की बीमारी, कई सारी बीमारियां आप ही के इम्यून सिस्टम के वजह से आपको होती है। सो ऑटोइम्यून डिजीजेस को भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जोड़ा गया है, कि जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है उतना आपके शरीर में ऑटोइम्यून डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बीमारियां अगर आपकी सांस की हो तो सांस की बीमारी में बहुत ही बड़ा रोल है। एन एसिटिल सिस्टीन, म्यूसी नैक,
जाम की बीमारी नाम की दवाई कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने खिलाई होगी, आपने खाई होगी। एन एसिटिलसिस्टीन एक मेडिसिन है जो अस्थमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों में या सांस की बीमारियों में दी जा सकती है। अब इसमें क्या होता है, एन एसिटिलसिस्टीन इज बेसिकली अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ग्लूटाथियोन। ये हेल्प करता है आपके म्यूकस को थोड़ा पतला करने में, सांस की नलियों को थोड़ा रिलैक्स करने में, ये आपके फेफड़ों में भी और लिटरली आपके शरीर में ग्लूटाथियोन लेवल बढ़ाने में भी हेल्प करता है। सो ग्लूटाथियोन आपके लिए बहुत कारगर है, बहुत काम का है। और ग्लूटाथियोन आपको कहां से मिलेगा, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। ग्लूटाथियोन की गोलियां अवेलेबल है पूरी दुनिया भर में, कैप्सूल अवेलेबल है, मगर फ्रैंकली वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि ग्लूटाथियोन जब आप खाते हैं तो वो बहुत ही पुअरली एब्जॉर्ब होता है, यानी 100 में से 10% केवल एब्जॉर्ब होगा, बाकी वेस्ट है और बहुत महंगा भी मिलता है। और 10 दिन 5 दिन लेने से कोई फायदा नहीं होता है, इसको लंबे समय लेना पड़ता है। तो बेस्ट ऑप्शन है ग्लूटाथियोन रिच फूड, ऐसे खाने पीने की चीजें खाइए जिसमें ग्लूटाथियोन ज्यादा है, राइट। सो ग्लूटाथियोन बेसिकली सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल है और इसीलिए उन फूड्स में ये ज्यादा पाया जाता है जिसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा हो, नेचुरल प्रोडक्शन आपका बढ़ सकता है, जैसे कि क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ब्रसल्स स्प्राउट्स, बोक चॉय, गार्लिक, अनियन, अंडे, नट्स, लिग्यूम्स, दालें, लीन प्रोटीन जैसे कि फिश, चिकन। सो इन चीजों का सेवन आप ज्यादा करें, ना कि अनाज का सेवन, ना कि फैट का सेवन, इन चीजों का ही ये बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके लिए ग्लूटाथियोन लेवल बढ़ाने का। इसके अलावा कुछ नेचुरल हर्ब्स हैं जो ग्लूटाथियोन बढ़ाते हैं, जी हाँ, उसमें है मिल्क थिसल। मिल्क थिसल क्यों लिवर की बीमारियों में और हेल्पफुल बखा गया, मिल्क थिसल ग्लूटाथियोन बढ़ाता है, इसलिए मिल्क थिसल लिवर की बीमारियों में हेल्प करता है। फ्लेक्सीड ना सिर्फ ग्लूटाथियोन बढ़ाता है, ओमेगा 3 भी हेल्प करता है, फ्लेक्सीड खाना बहुत अच्छा है। वे प्रोटीन, जी हाँ, वे प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन से ग्लूटाथियोन बढ़ता है, दूध के अंदर ग्लूटाथियोन होता है। प्रॉब्लम इज कुकिंग से ग्लूटाथियोन के लेवल काफी कम हो जाते हैं, इसीलिए जितने हो सकते हैं आप नट्स खाइए, नट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अनियंस सैलेड्स के हिसाब से आप खाते हैं बहुत अच्छे हैं, स्प्राउटेड लेग्यूम्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, उन सब में ग्लूटाथियोन के लेवल जो है वो प्रिजर्व्ड रहेंगे। और जो स्प्राउटेड क्रूसिफरस वेजिटेबल्स भी अगर आप उसको हल्के से वो जो सैलेड के जैसे खाते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मिल्क थिसल, वे प्रोटीन, फ्लेक्सीड्स और गसोव सीवीड, ये भी बहुत अच्छे हैं। सो इन फॉर्म से अगर आप ग्लूटाथियोन को लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप फिर भी इसके सप्लीमेंट लेते हैं तो सप्लीमेंट्स के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, सप्लीमेंट क्योंकि एब्जॉर्ब बहुत कम होते हैं तो पेट की दिक्कतें ज्यादा करते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, आपको कई बार हो सकता है एलर्जिक रिएक्शंस भी आए, और कुछ केसेस में ब्रीदिंग ट्रबल भी होती है ग्लूटाथियोन के सप्लीमेंटेशन से। ग्लूटाथियोन क्रीम के हिसाब से भी आता है, जो क्रीम आती है वो स्किन पे लगाई जाती है गोरे होने के लिए, जी हाँ। ग्लूटाथियोन का एक साइड इफेक्ट है कि वो मेलानिन आपके शरीर में कम करता है, मगर वो टेम्पररी है। ग्लूटालाइट नाम की क्रीम आती है, वो क्रीम आप लगाते हैं, लंबे समय तक लगाएंगे तो आपकी स्किन जो है उसका कॉम्प्लेक्शन जो है कम हो जाएगा, मगर ये सिर्फ टेम्पररी है, जैसे ही उसे बंद कर देंगे वापस आप जो है अपने नेचुरल कलर में आ जाएंगे। सो बेस्ट तरीका ग्लूटाथियोन को लेने का होता है इंजेक्शन, जो सेफ नहीं है, बिकॉज उसमें अपने आप में साइड इफेक्ट हो सकते हैं, सिवियर, जैसा मैंने कहा, सिवियर पेट में प्रॉब्लम हो सकते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शंस, एलर्जिक रिएक्शन, इसीलिए इंजेक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल सेटअप्स में, आईसीयूज में सीरियस पेशेंट्स को दिए जाते हैं, रिस्क बेनिफिट रेशियो को देख के कई लोग जो इलीगली जाके इंजेक्शंस लेते हैं उनकी जान भी चली जा सकती है ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन से। सो इंजेक्शन और कैप्सूल दोनों से दूर रहिए। ग्लूटाथियोन लेना है तो या तो आप क्रीम लगा सकते हैं लंबे समय तक के लिए टेम्पररी वाइटनिंग के लिए, या फिर खाने पीने की चीजें आप ले सकते हैं जिनसे ग्लूटाथियोन बढ़ता है। ऑल इन ऑल ग्लूटाथियोन इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो आपके शरीर में बनता है, लेकिन किसी बीमारी के वजह से, एजिंग के वजह से, स्ट्रेस के वजह से, एनवायरमेंट के वजह से आपका ग्लूटाथियोन कम हो सकता है। ऐसे केसेस में आप सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, एन एसिटिलसिस्टीन का सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, या मैंने जितने खाने पीने की चीजें बताई वो आप ले सकते हैं ग्लूटाथियोन बढ़ाने के लिए। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और आप क्या सोचते हैं उसको कमेंट में डायरेक्ट अभी टाइप कर दीजिए, मुझे कमेंट्स पढ़ने हैं, बहुत सारे कमेंट्स, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।